जी बिल्कुल, नूरजहां तो इंतकाल कर गई, मगर इंतकाल के बाद उसने बहुत से सवाल छोड़े हैं। वो सवाल लेके मैं मुख्तलिफ अफसरान के पास भी गया, बल्दिया उज़्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर साहब के पास भी गया, बल्दिया उज़्मा कराची के कुछ सोर्सेज से भी रब्ता किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्बास लगारी साहब, जो कि इस केस को परस्यू कर रहे हैं, और इनको अदालत में क्यों जाना पड़ा, इनके जो पिटिशनर थे, इनके क्लाइंट थे, सर मुझे थोड़ा सा बता दिएगा। मैं इसको, इस केस को देख के हैरान हो गया हूँ कि केएमसी के जानवर, उसकी तबीयत ख़राब, वो सीवियर पेन में है, उनको वो बजाय उसके होने के ठीक करने के आप लोगों को बताना पड़ा, आपको इजाज़त नहीं मिली, अब उसको अदालत जाना पड़ा, उसके बाद ये सारा चीज़ें और खुली हैं, सामने आई हैं। डॉक्टर्स ने जब पहली दफ़ा असेसमेंट किया था तो क्या फाइंडिंग सामने आई थी एडवोकेट साहब, ये बताइएगा। द फर्स्ट असेसमेंट डन बाय मिस्टर फ्रैंक वुड्स एंड हिज टीम वाज डन आफ्टर द ऑर्डर इन सितंबर ऑफ 2021। उसमें देयर वर थ्री मेन फाइंडिंग्स। पहला तो यही कि द एलिफेंट्स फीट वर क्रैक्ड एंड देयर एब्सेसेस एंड देयर वाज ओवरग्रोथ। द सेकंड बीइंग दैट द टस्क वर ब्रोकन और दे कुड हैव बीन कट ऑफ, बट दैट इज वन ऑफ द इश्यूज। दांत जो बड़े-बड़े होते हैं, काटे गए थे, दे वर ब्रोकन एज पर द रिपोर्ट। एंड नंबर थ्री वॉज दैट देर वॉज एन एलिफेंट सोनू विच वॉज प्रेजेंटेड टू द डॉक्टर्स एज मेल विच वॉज इन फैक्ट अ फीमेल। 11 साल बाद डॉक्टर फ्रैंक, मतलब बल्दिया उज़्मा कराची को 11 साल बाद पता चल रहा है कि वो जो फ्रैंक टीम केम मेल नहीं, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, दिस इज और थी वैसी मादा है। एग्जैक्टली, दिस इज एक्चुअली फीमेल। दोज आर द थ्री मेन प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स। उन्होंने क्या जमा कराई थी केएमसी ने, के भी तो वकील खड़े होंगे, उन्होंने भी तो कोई ना कोई रिपोर्ट जमा कराई होगी, या सब अच्छी की तरह रिपोर्ट जमा कराई थी हमेशा की तरह। उनके काउंटर्स एंड रिटन स्टेटमेंट में तो उनका स्टांस ये था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अलका, सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है, कोई तबीयत नहीं है, सब अच्छा। वी इन फैक्ट हैड अ पर्सनल एजेंडा अगेंस्ट देम, हम कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी कर रहे हैं जहां पे हमने केएमसी के रेपुटेशन को खराब करने के, बहुत अच्छा काम कर रही है, बिल्कुल वहां से गेन, तो पर्सनल गेन, मतलब बजाय कि ठीक करने की चीज़ों को, आप लोग जो कि उसको परस्यू करना चाह रहे थे हाथी के लिए, आप लोग पे इल्ज़ाम लगता है कि आप एंटी स्टेट कोई काम कर रहे हैं, आप लोग बदनामी का सबब बन रहे हैं केएमसी के लिए, चूँकि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत अच्छा काम किया है, और यही वजह होगी शायद नूरजहां तकलीफ़ में आई है और उसके बाद उसका इंतकाल किया, दुनिया में बदनामी का सबब बना एडवोकेट साहब। मैं ये देख रहा हूँ सोशल मीडिया, जब मैं देख रहा हूँ नूरजहां हैशटैग के साथ, तो मुख्तलिफ जगहों पर उसको बहुत ही बुरा जो है इसको समझा जा रहा है इस मामले को। आखिर में मुझे सिर्फ ये कॉमेंट कर दिएगा कि किस तरह देखा, अब क्या मामला देखा, क्योंकि आखिर दफ़ा में नूरजहां गिर गई थी, वो कह रहे हैं जी वो गिर गई थी इसलिए मर गई। नाउ ये कैसी बात है, गिर गई, अगर अगर हम कहते हैं गिर गई इसलिए मरी, फर्स्टली शी वाज ऑलरेडी नीडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, इसकी वजह से टीम भी आई थी, ये तो हमें पता है, द एलिफेंट्स नीडेड ट्रीटमेंट। उसके दौरान जब टीम आने से पहले, दिस इज व्हेन दिस इवेंट अकर्ड, नंबर वन। नंबर टू, अगर हम ये भी कहते हैं वो गिरी तो कैसी गिरी, जब आपको पता था वो बीमार थी, तो 24 आवर्स सर्वेलेंस क्यों नहीं थी उस पर, सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया, इवन दो द पिटिशनर्स हैड रेकमेंडेड, मिस्टर वैसवान मायरा उमर हैड रेकमेंडेड दैट देयर बी अ सीसीटीवी कैमरा पुट, नहीं लगाया गया, ये भी कहा गया था कि जगह मुंतकिल की जाए, नहीं की गई, मसरूफ होंगे तो आप नहीं, मगर अगर हम एस्पर्शन नहीं कास्ट करना चाह रहे, इफ इट इज ट्रू।